ये एकता नगर रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार है। अब इस रेलवे स्टेशन का महत्व आप जानिए, वो ये है कि ये नया रेलवे स्टेशन बनाया गया सरदार सरोवर डैम और स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, और भारत से हर जगह से यहाँ से ट्रेन का लिंक है। मैं आपको बताऊं कि सरदार सरोवर के नाम से ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही सरदार सरोवर बना है जो यहाँ से है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो उन्हीं की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही स्टैचू बनाई गई है, वो भी यहाँ है। और यहाँ नर्मदा के प्रमुख तीर्थ सूलपाड़ेश्वर झाड़ी यहीं है। तो आप इस वीडियो में इस सब को देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब इसी एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और नर्मदा के तीर्थों का भी आपको अच्छा सा, यहाँ सूर्य भगवान तपस्या किए थे, मार्कंडेय ऋषि भगवान तपस्या किए थे, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और नर्मदा के तीर्थों में स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर डैम, ये है यहाँ की लोकेशन। ये स्टेशन के अंदर की पोजीशन, मैं गभाड़ा गांव में खड़ा हूं। ये आप जो हाईवे देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए जो है बनाया गया, नहीं तो पहले रोड नहीं था। और ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, गभाड़ा गांव में ये मंदिर आपको दिख रहा है, ये जूम करके दिखाऊं, ये मार्कंडेय ऋषि का मंदिर है। और ये आप देख रहे हैं पहाड़ी, यहाँ से 1 किलोमीटर ये आगे से सूलपाड़ेश्वर की झाड़ी शुरू हो जाती है। और ये देखिए जंगल, जूम तो कर दिया हूँ, अब ये आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए पूरा ये जंगली एरिया है, खाड़ी एरिया, आप देखिए रोड कितना नीचे है, नाला है, इस तरह से इधर कोई बस्ती नहीं है, नो रेजिडेंस एरिया। और ये है गभाड़ा गांव आदिवासियों का। तो ये इस क्षेत्र में मार्कंडेय ऋषि तपस्या किए थे, यहाँ मार्कंडेय ऋषि का वो मंदिर है। अब उस पे, उस सामने जो पहाड़ी पे दिखाया छोटा मंदिर, मार्कंडेय ऋषि का है। तो मैं अब वहाँ जाऊँगा नहीं, मैं तो रोड से ही चल रहा हूँ। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनी है। तो ये है गभाड़ा गांव, ये आप देखिए घाटी, ऐसे ही घाटी अब आगे शुरू हो जाती है, ये आप देखिए ऐसे ही घाटी ये शुरू हो जाती है। ये गभाड़ा गांव है, आगे 2-4 आदिवासियों के मकान बने हैं इस साइड में, और इधर नर्मदा है इस साइड में, और यहीं पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या किया था। अब चूंकि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बन जाने से, रोड हाईवे बन जाने से, होटल बहुत बन रहे हैं, तो होटल का निर्माण चल रहा है। ये बोर्ड भी लगा है गभाना, यहीं पे मार्कंडेय ऋषि तपस्या किए थे।
तो ये देखो बच्चे अब पढ़ने भी जाते हैं, और ये देखो खड़े हैं ना बच्चे, अब ये पढ़ने भी जाते हैं, काम करने भी जाते हैं, बहुत सुंदर है। हम ये केवड़िया गांव की मार्केट में खड़े हैं। पहले तो मैं सोच रहा था ये आदिवासी इलाका है, यहाँ से आगे सूलपाणेश्वर की झाड़ी शुरू हो जाती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू है ये भीम, अब वो हाईवे बना दिया गया है। राजपीपला तक के लिए साधन भी मिलता है। तो केवड़िया गांव इस आदिवासी इलाके में, पहाड़ी के एरिया में अच्छा डेवलप गांव था, अच्छी मार्केट भी थी। मुझे पता चला कि ट्रेजरी ट्रेजरी ऑफिस दो जगह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में या तालुका में। तो केवड़िया में तालुका हेडक्वार्टर है, बल्कि तालुका जो है वो गरुड़ेश्वर के नाम से है। यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे गरुड़ेश्वर है, तो गरुड़ेश्वर के नाम से तालुका है, लेकिन हेडक्वार्टर केवड़िया में है। हिंदू परिषद का बोर्ड भी लगा है। आने के बाद पता चला केवड़िया अच्छा डेवलप है। वीर भगत सिंह प्राथमिक विद्यालय है, स्कूल्स भी डेवलप है, यहाँ अच्छा डेवलपमेंट किया है ये। अब मैं बागड़िया चल रहा हूँ आदित्येश्वर महादेव का मंदिर देखने, और गभाड़ा में हमें मार्कंडेय मंदिर तो है, लेकिन नर्मदा किनारे है, घाटी में मैं गया नहीं, पता चल गया था। तो अब आगे बागड़िया, बीच में केवड़िया आता है। तो केवड़िया आपने देखा एक अच्छा डेवलप मार्केट है, एवरीथिंग एवरी फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल हियर, स्कूल्स कॉलेज पुलिस स्टेशन एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब मैं बागड़िया चलूँगा। अब ये देखिए केवड़िया में गवर्नमेंट कॉलोनी भी बनी है, बस स्टैंड भी है, और इस बस स्टैंड से हर जगह का साधन भी उपलब्ध है। तो गुजरात ने अच्छा ये पहाड़ी एरिया में डेवलप किया था, फायर विभाग ने बनवाया है, देखते हैं। ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, नया बना हुआ है, और हमें लगता है कि फॉरेस्ट में ये फायर विभाग का स्टेशन है जो आप देख रहे हो, और इसी ने बनाया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जंगल में केवड़िया गांव है ही है, कॉलोनियाँ भी डेवलप हैं। तो ये नर्मदेश्वर महादेव, ये नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग है, यहाँ नर्मदा के तट पे शंकर भगवान का ही पूजा है। बनाने का मुहूर्त यानी 30-40 साल पुराना है। ये आप देखिए केवड़िया, तो हाईवे के उस साइड में केवड़िया गांव है, इस साइड को इन्होंने केवड़िया कॉलोनी बोलते हैं। और अभी मैं ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पे पुजारी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि गभाड़ा गांव में मार्कंडेय तीर्थ नर्मदा के किनारे नीचे है। तो जो मैं रो हाईवे पे ही खड़े होके आपको दिखा रहा था, तो उसी के नीचे है। अब वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं आदित्येश्वर
मंदिर देखने जा रहा हूँ बागड़िया में, यहाँ से 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं, एक ने 6 किलोमीटर बताया। और बागड़िया के बाद फिर सोलपाड़ेश्वर की झाड़ी शुरू हो जाती है और थोड़ा दूर जाने पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, वो देखें। तो अभी अभी मैंने एक चीज़ देखा केवड़िया में, केवड़िया में सभी बैंक हैं, SBI और ट्रेजरी ऑफिस भी है। तो ये नर्मदा ज़िला है, इसका हेडक्वार्टर बताया है राजपिपला ट्रेजरी वाले। और गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है जिसे ट्रेजरी ऑफिस यहाँ पे है। तो ये बहुत अच्छा, ये मैं हाईवे से, सामने हाईवे दिख रहा है, उस हाईवे से यहाँ से एक किलोमीटर पीछे मैं अंदर केवड़िया कॉलोनी में घुसा और फिर हाईवे पे आ गया घूमते हुए। केवड़िया मार्केट आपको दिखाया, ये आप देखिए। और ये सब आधुनिक डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू आफ्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू लगने के बाद, स्टैचू ऑफ यूनिटी के होने के बाद फिर यहाँ गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए और काफ़ी डेवलप हो गया है। और इस रोड के उधर केवड़िया गांव है, तो केवड़िया गांव तो दोनों तरफ है क्योंकि ये पहले आदिवासियों का था, तो इनके कई एक आधा आधा किलोमीटर में मकान होते थे। तो ठीक है, बहुत सुंदर है। अब मैं तो चलते हैं बागड़िया आदित्येश्वर मंदिर देखते हैं। ये आपको देख लीजिए, ये हाईवे आ गया। ये हाईवे क्या है, ये रोड वही स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जा रहा है और आगे सरदार सरोवर डैम बन गया है ना, तो वहाँ जा रहा है। ये सरदार सरोवर डैम का रोड आ गया और देखिए बोर्ड लिखा है ना, प्रशासनिक कार्यालय, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सब इधर है। कौन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, और ये क्या है, GSRTC बस डिपो, बस डिपो भी अंदर है, पोस्ट ऑफिस और इक्ता एडिटोरियम, फायर स्टेशन इस रोड पे है, आपने देखा ही। और ये देखिए रोड आ गया है और एकता नगर रेलवे स्टेशन पीछे छूट गया है। अब मैं यहाँ से डायरेक्शन लेता हूँ। अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की एंट्रेंस है, आप देखिए फव्वारा फर्स्ट क्लास चल रहा है इसके आगे। हाँ, इसके आगे हम बागड़िया में आदित्येश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन करेंगे। आदित्य भगवान ने तपस्या किया था। सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस घाटी में अभी आपने देखा गभाड़ा में मार्कंडे ऋषि, बागड़िया आदित्येश्वर और कमलेश्वर, और केवड़िया में इधर सब ऋषि ही तपस्या किए थे। तो घाटी में सोलपाड़ेश्वर, जहाँ सोलपाड़ेश्वर के विषय में कहते हैं कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र, क्या नाम, इस समय नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, मैं लिखित में दे दूंगा, वो उन्हें कृष्ण भगवान ने अमर रहने का वरदान दिया था, अमर हैं। तो वो सोलपाड़ेश्वर की ही झाड़ी में उसी मंदिर पे रहते हैं। मतलब कभी कभी लोग, ऐसे भी कथा है कि आदिवासियों को कभी कभी दिखाई देते थे और आदिवासी उनको अपना देवता मानते हैं, जो भी हो। तो अब मैं आदित्य भगवान का दर्शन करने के बाद, सूर्य भगवान ने यहाँ तपस्या किया था, उसको दर्शन करने, इसके चारों तरफ आप देखिए, और ये बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है। ये आप नर्मदा माँ की स्टैचू है बनाया है, और यहाँ से ऑटो पैसे से और फ्री में बसें जाती हैं
कहाँ यूनिट सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू को दिखाने के लिए और डैम को दिखाने के लिए। नर्मदे हर प्रभु। ये चेक पोस्ट है और यहाँ से आप चलेंगे। ये देखिए किराए पे ऑटो बैटरी वाले हैं, खड़े हैं। और यहाँ से आप देखिए बसें आ रही हैं ना सामने, ये बसें फ्री में ले जाती हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और डैम। और आगे आप घाटी देख रहे हैं, आप जा सकते हैं। देखिए ये बसों का बस स्टैंड है, क्योंकि हमें आदित्येश्वर महादेव तक चलना है और यहाँ से वो 100-200 मीटर है, तो इसलिए मैं बस नहीं पकड़ूँगा। अब मैं बागड़िया में खड़ा हूँ। देखिए ये बहुत बड़ा गांव है, कम से कम 300 मकान की बस्ती है समथिंग। कुछ मकान तो इस डैम के कारण बाहर चले गए, कुछ लोग यहीं हैं उस साइड में। ये डैम का रोड गया है और ये माँ नर्मदा वह। तो बागड़िया में आदित्येश्वर सूर्य भगवान ने तपस्या किया था, तो आपको आदित्येश्वर महादेव का दिखाता हूँ मंदिर। अब मैं चल रहा हूँ और ये के आदिवासी मकान। अब ये सब आदिवासी नहीं है, ऑल ऑफ दे हैव डेवलप्ड, एवरी फैसिलिटी आर अवेलेबल हियर। तो ये माँ नर्मदा है, नर्मदे हर। तो पहले इस झाड़ी में कुछ पैदा वैदा नहीं होता था, ये लोग रहते थे अपना। अब तो सारा केवड़िया में देखिए ऑल फैसिलिटीज, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ट्रेजरी और सब बैंक, सब सिस्टम डेवलप हो गया है। तो सब डेवलप हो रहे हैं। थोड़ा सा सरकार को चाहिए कि एक इनको ट्रेनिंग दे डेवलपमेंट टाइप का, एक व्यवस्थित रूप से जीवन जीने का ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, तो तुरंत डेवलप हो जाएगा। मतलब साल में सबको जीवन में एक बार एक महीने की ट्रेनिंग दे, तो फिर ये अभी मंदिर का रसोड़ा विभाग लिखा है, पता नहीं है चलता है कि नहीं है। लेटरिन बाथरूम सब बना है, या टूरिस्ट वालों के लिए होगा, सरकार ने बनाया होगा। यहाँ आते रहते हैं लोग, धार्मिक लोग भी ना। आज सामने देखो एकता नर्सरी दिख रही है, और जो सूलपाड़ेश्वर का मंदिर है वो उस साइड में बनाया गया है। तो इस समय अभी मैं उस साइड में नहीं जा सकता। और एक किसी संत का भारतीय आश्रम है सामने, जो भी है। अब ये प्राचीन मंदिर, अब चूंकि सब कुछ यहाँ डेकोरेट किया गया तो मंदिर भी डेकोरेट होगा ना। तो अब ये मंदिर को बहुत अच्छे ढंग से कलर्ड करके डेकोरेट, और यहाँ देखिए सब बना दिया है। अब ये आदित्येश्वर महादेव मंदिर, कहते हैं आदित्य भगवान ने यहाँ तपस्या किया था। तो आपको दिखाऊं, इस वीडियो में मेरा चेहरा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं सेल्फी कम ले रहा हूँ। और ये आदित्येश्वर महादेव, ये देखिए ये पुजारी का रेजिडेंस है। ओम नमः शिवाय पार्वती पते हर हर महादेव। ये पुराना शिवलिंग है आदित्येश्वर महादेव का, और बहुत प्राचीन मंदिर है। ये देखिए पहले यहाँ परिक्रमावासी रुकते थे। अब आदित्येश्वर महादेव से निकल के मैं एकदम नर्मदा तट पे है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा धार्मिक टूरिस्ट के रूप में भी, पहले यहाँ लोग परिक्रमावासी भी रुकते थे, और जैसा भी हो अब मैं आ गया एकदम नर्मदा तट पे। आप देखिए ये है माँ नर्मदा दिख रही है, और ये बागड़िया गांव। अब इसके आगे वो सूलपाड़ेश्वर की झाड़ी आ जाती थी, जहाँ लूटते थे कोल भील सबको, परिक्रमावासियों को। तो अब स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर है। वैसे कैमरे में नहीं दिख रही है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो सर दिखाई दे रहा है। देखते हैं जूम करके,
आते हैं कि नहीं आते हैं। हमें सर दिखाई दे रहा है, अब ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये सर दिखाई दे रहा है। तो मैं गरुड़ेश्वर से लेके दो ये भगाड़ा, गभाड़ा और बागड़िया और केवड़िया गांव का भ्रमण किया। जो ये आदिवासियों के गांव ऐसे, मकान ऐसे होते थे, और अब तो इन लोगों को पैसे वैसे सब कुछ मिल गए, इनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अभी भी इनके मकान इसी तरह हैं। तो थोड़ा इनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ये बच्चा काफ़ी देर से मेरे साथ खेल रहा है, और ये मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ बहुत बता रहे थे, उधर है देखना, इधर देखना, मंदिर की तरफ। ये है सूर्य मंदिर, आदित्येश्वर महादेव मंदिर से मैं आके इस मकान पे बैठ गया। बच्ची ने मुझे पानी पिलाया, और ये बच्चा जो है मुझे सारे तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो ये देखिए बच्चा, एक तो ये नर्मदा की तरफ दिखाए मुझे कि नर्मदा जी हैं, फिर मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ दिखाया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है देखने लायक। ये अभी से गाइड का काम कर रहे हैं, हैं? क्या है, इधर है ना कुछ, हैं? तो इन्होंने मुझे उस समय मैं कैमरा ऑन नहीं किया था, जब ये बतलाया, जब कैमरा ऑन कर लिया तो साइलेंट हो गए, हैं? फिर इन्होंने मुझे मंदिर बताया इधर, और इधर माँ नर्मदा की तरफ दिखाया, और इधर मुझे स्टैचू की तरफ दिखाया, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ हाथ करके, और अब ये मेरे पास खड़े हैं। तो हमें लगता है बहुत अच्छे गाइड का काम करेंगे यहाँ बड़े होने पर। बच्ची है ना, इस बच्ची को पूरा नॉलेज है। इसने मुझसे पूछ लिया आप ब्लॉग बनाते हो, मैंने कहा हाँ। इसने मेरा चैनल सर्च किया, अब तो यहाँ के लोग, अब सारी सुविधाएं पहुँच गई हैं, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ऑल ऑफ दे आर डेवलप्ड एंड एजुकेटेड। तो देखिए हमारे गाइड आ रहे हैं, इन्होंने मुझे चाय नहीं पियेंगे बेटा, इन्होंने चलो चाय बना लो, एक घूंट बना लो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। देखिए माता जी आई है, मुझे चाय कॉफी पूछ रही थी, तो मैं एक खास बात देखिए, माता जी ने तुलसी लगा रखा है घर के सामने। तो आप लोग ऐसा, जैसा लोग आदिवासी के विषय में सोचते हैं, मैं तो ठीक उसका उल्टा सोचता हूँ। देखिए सर तुलसी लगी हुई है। देखो अब ये बच्ची सामने नहीं आ रही है, ये बच्ची बीएससी किए हुए है। आप सोचिए कि अब केवल एक ज़रूरत है कि इनको लाइफ लिविंग स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाए, और इनको मकान के लिए भी पैसे मिले हैं, बता रहे थे, लेटरिन बाथरूम के लिए भी पैसे मिले हैं, और ट्रैफिक सोर्सेज के माध्यम से और नेट के माध्यम से सारी बातों की इनको जानकारी भी है। तो देखिए स्टैचू बन जाने से यहाँ जनरल स्टोर की दुकान भी डेवलप हो गई है, और अब आदिवासियों बच्चों के लड़कों का नाम भी बड़े अच्छे अच्छे रूप से रखा जाता है। अभी वो बच्ची बीएससी किए हुए हैं, और अभी जनरल स्टोर पे आया तो हिमांशु नाम का एक बच्चा बैठा है। पहले आदिवासियों के नाम कुछ अजीब ढंग के होते थे, लेकिन अब, और ये देखिए इनके पास कार भी है, और फर्स्ट क्लास गार्डन भी बना रखा है इन्होंने, ये फूल क्यारी के गार्डन पीछे। और हिमांशु बच्चा पढ़ता भी है, जनरल स्टोर की दुकान पे बैठता भी है, और नाम भी इसका है हिमांशु स्टोर। आप किस क्लास में पढ़ते हो? सेवंथ में। इंग्लिश मीडियम? गुजराती। केवड़िया में? नहीं, राजपिपला। तो यहाँ से राजपिपला डेली अप डाउन करते हो?
बस से राजपिपला कई किलोमीटर है? अच्छा, तो 24 किलोमीटर बच्चा अप डाउन करता है, यानी 48 किलोमीटर अप डाउन करता है। केवड़िया में स्कूल नहीं है क्या? एडमिशन नहीं है? अच्छा, तो आप लोग यहीं के रहने वाले हो कि राजपीर में प्रॉपर यहाँ के आदिवासी में आते हो क्या? देखिए, अब ये सरकार की स्कीमों के अंतर्गत दे आर टू मच डेवलप्ड एंड नेम चेंज, और साईं बाबा को ये मानते हैं, भगवान को पीछे मूर्ति लगी हुई है साईं बाबा की। मैं इस समय को गरुड़ेश्वर में खड़ा हूँ, और एक गरुड़ेश्वर को तहसील का दर्जा मिला है। इसका हेडक्वार्टर, जैसा कि मैंने बताया, केवड़िया गांव में है। तो ये श्री करोटेश्वर महादेव पौराणिक मंदिर, ये गरुड़ेश्वर का मेन मंदिर है शंकर भगवान का, और जिसे अब दत्त संस्थान ने अपने अंतर्गत ले लिया है, और यहाँ नर्मदा परिक्रमा वाले रुकते हैं, और रेवा प्रसाद स्टोर, श्री रेवा प्रसाद स्टोर, आप देखिए दुकान खुल ही रही है, सुबह सुबह का मौसम है, माता जी खोल नहीं है। और ये यहाँ की एकदम घाट पे ये दो दुकानें हैं, जहाँ आपको चाय नाश्ता पूजा पाठ के सभी सामान आपको मिल जाएंगे। ये गरुड़ेश्वर है, और ये प्यारी बच्ची आ रही है, बहुत तेज है। क्या नाम है आपका? माही जी हैं, ये सबसे तेज हैं इसी श्री रेवा प्रसाद स्टोर की हैं मालकिन माही। माही जी दुकान की सफाई करती हुई, ये देखिए माही जी लग गई हैं अपने दुकान की सफाई में। तो चलिए नर्मदा का दर्शन करते हैं। तो नर्मदे हर वीडियो को यहीं करते हैं संपूर्ण। रही बात यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर डैम की, तो उस वो वीडियो मैंने पहले ही बना के अपलोड किया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ढूंढ सकते हैं, लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं।